मेरे ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड बी एक्सरसाइज का, इफ एल टेन थीटा प्लस एम सीकेंट थीटा इज इक्वल टू एन एंड एल डैश टेन थीटा माइनस एम डैश सीकेंट थीटा इज इक्वल टू एन डैश, देन शो दैट एन एल डैश माइनस एन डैश एल अपॉन एल एम डैश प्लस एल डैश एम होल स्केयर इज इक्वल टू वन प्लस एम एन डैश प्लस एम डैश एन अपॉन एल एम डैश प्लस एल डैश एम होल स्केयर। ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे टेन और सीकेंट में दिया है, तो यहां से हम tan थीटा और secant थीटा की वैल्यूज निकालेंगे। देखो ये है l tan थीटा प्लस m secant थीटा, और n दूसरी साइड है, कॉन्स्टेंट टर्म हम इधर ले आते हैं, माइनस n इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन जो बनेगी l डैश tan थीटा माइनस m डैश secant थीटा माइनस ये इधर आके n डैश इज इक्वल टू जीरो। ये नंबर वन हो गया, ये नंबर टू हो गया। इन नंबर वन एंड नंबर टू को हम सॉल्व करेंगे। आपने मेथड पढ़ा था 2312 जिसको बोलते हैं हम 2312 मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं, टेंथ क्लास में हम लोगों ने सबने किया था। इसमें क्या करना है आपने, ये देखो यहाँ पर किस में है, टेन थीटा है, सीकेंट थीटा जो कॉमन है वही लिखिए, टेन थीटा अपॉन सीकेंट थीटा अपॉन, और यहाँ पे कुछ नहीं तो हम कॉन्स्टेंट वन लेके चलते हैं, वन अपॉन, ठीक है। ये 2312 ये हम साइड पे कर देते हैं। टू का मतलब क्या है, इसमें जो सेकेंड वाले उनके कोफिशियंट आएंगे। देखो secant थीटा ना कॉमन, उसका देखिए हमारे पास क्या आएगा, m और m डैश, तो यहाँ पे क्या आएगा m कितने, इसका यहाँ पे सेकेंड वाले में क्या बना, m और माइनस m डैश, m और माइनस m डैश। इसी तरह से हमारे पास जो थर्ड है, थर्ड वाले में देखिए क्या है, कांस्टेंट यहाँ पे कितने हैं, माइनस n और माइनस n डैश, और फर्स्ट वाला देखिए यहाँ पे कितना है, l l डैश, फर्स्ट l l डैश एंड सेकेंड अगेन हमारे पास है वो जो ये हमने पहले लिखा था m माइनस m डैश। अब बस इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको बना के लिखना है। करोगे तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, माइनस m n डैश, फिर खुद से माइनस लगाते हैं, और जब इसको क्रॉस करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस m डैश n, m डैश n। इसी तरह सेकेंड थीटा के नीचे सेकेंड वाला, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, माइनस n एल डैश, माइनस खुद से लगाएंगे और ये उधर जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये बनेगा एन डैश एल। इसी तरह से नेक्स्ट है, ये इधर करो क्रॉस तो क्या होगा, माइनस एल एम डैश, माइनस खुद से लगाएंगे ये ऊपर को जाएगा एल डैश एम। अब ये हमारे पास बेटे यहाँ पे बन गया टेन थीटा और सेकेंड थीटा की वैल्यू निकालनी। टेन थीटा वाला हम इधर ले जाएंगे, सेकेंड थीटा भी इधर ले जाएंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड से हम ना दोनों को यहां से वैल्यू निकालेंगे और ये उधर चला जाएगा, क्या आएगा, माइनस एम एन डैश माइनस एम डैश एन अपॉन यहां पे है माइनस एल एम डैश माइनस एल डैश एम इज इक्वल टू माइनस, ऊपर से भी कॉमन निकाल दो, एम एन डैश प्लस एम डैश एन अपॉन नीचे से भी निकाल दो, एल एम डैश प्लस एल डैश एम। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर टेन थीटा जो है वो हमारे पास क्या बचा, एम एन डैश प्लस एम डैश एन अपॉन यहाँ पे एल एम डैश प्लस एल डैश एम, ये टेन थीटा की वैल्यू आई। इसी तरह हम सेकेंड थीटा की निकालेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड यहां से जब हम लेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, सेकेंड थीटा इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा माइनस एन एल डैश प्लस एन डैश एल अपॉन नीचे वही रहेगा माइनस एल एम डैश माइनस एल डैश एम। अब आपको यहां से इसको कॉमन निकाल के जो कैंसिल होता कर देते हैं, क्योंकि नीचे से भी तो माइनस निकलेगा, ऊपर से निकालेंगे एन एल डैश माइनस एन डैश एल अपॉन नीचे से निकालोगे माइनस एल एम डैश प्लस एल डैश एम। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो सीकेंट थीटा हमारे पास उसकी वैल्यू जो है वो क्या निकली है, एन एल डैश माइनस ये आएगा यहां पर एन डैश एल अपॉन नीचे आएगा एल एम डैश प्लस एल डैश एम। ये सीकेंट थीटा की वैल्यू भी आ गई, टेन थीटा की भी आ गई, तो हमें पता है, वी नो दैट, बिकॉज वी नो दैट फॉर्मूला होता है बेटे टेन थीटा और सीकेंट का, टेंथ क्लास में जो हमने पढ़ा था, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। अब आप आंसर देखिए, आपको आंसर कैसा चाहिए, देखो इधर वन प्लस चाहिए, तो मीन्स जो हमारे पास जो माइनस वाला है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नाउ सीकेंट थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली थी ऊपर, यहाँ पे देखिए सीकेंट थीटा की जगह पे ये लिख देंगे और टेन थीटा की जगह पे ये लिख देंगे, तो देयरफॉर ये क्या बनेगा, सीकेंट थीटा की जगह पे एन एल डैश माइनस एल डैश
ये हमारे पास एन एल डैश माइनस एन डैश एल माइनस एन डैश एल अपॉन नीचे जो है वो क्या है एल एम डैश प्लस एल डैश एम इज इक्वल टू स्केयर है सीकेंट थीटा का स्केयर वन प्लस टैन थीटा का होल स्केयर। टैन थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं कितनी है एम एन डैश प्लस एम डैश एन अपॉन नीचे कितना है एल एम डैश प्लस एल डैश एम ये होल स्केयर। यही हमें प्रूफ करना था, जो चीज हमें चाहिए वो आंसर आ गया, तो हैंस प्रूफ जो यहाँ पे बोला था वो हमने प्रूव कर दिया।